अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको आज के सेशन के लिए खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ कि आपका कल से आज तक का दिन अच्छा गुजरा होगा। मौसम जो है वो काफी गर्म ठंडा हो चुका हुआ है पूरे पाकिस्तान में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके इलाके में भी ठंड काफी हो चुकी होगी और आप भी इस वक्त गरम गरम जनाब चाय के साथ और कमरे में गर्मी शर्मी जनाब पूरा उसका इंतजाम करके इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे होंगे। तो आप सब लोगों को आज के एपिसोड के लिए खुश आमदीद। अपने आज की डिस्कशन का आगाज करते हैं। आज का जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाना है वो चैप्टर नंबर 21 है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आपको आपके टेस्ट जो हैं वो मिल गए हैं? क्या आपको टेस्ट के ईमेल मिल चुके हैं? अच्छा, अभी तक नहीं मिले हैं। तो जी, मैं इसको इंश्योर करता हूं कि क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय स्टैटिस्टिक्स माय इंस्ट्रक्शंस ये जो टेस्ट थे ये अभी तक आपको मिल चुके होने चाहिए थे, और अगर नहीं मिले हैं तो ये वाकई एक सोचने वाली बात है। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी आज इसको लेक्चर के बाद जो है मैं श्योर करता हूँ कि आपके टेस्ट जो हैं वो आपको आज ही ईमेल जरूर हो जाएंगे, और उनका करना क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। बहरहाल अभी क्लास का टाइम है, अभी जनाब हमारी डिस्कशन का टाइम है, तो हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। हस्बे रवायत हस्बे तौफीक, मैं आपको जनाब अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं कि अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक की डिस्कशन में कोई भी ऐसी बात, दो चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 20, आपने बुक में से कोई चीज पूछनी हो तो आप बच्चों से मुतलिक सवाल कर सकते हैं। आई एम रेडी एंड आई एम विलिंग टू आंसर योर क्वेश्चन। कोई सवाल नहीं तो फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जी, आज मैं चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 21 आपकी बुक में आई कैप की किताब है बच्चों, ये शेयर कैपिटल से मुतल्लिक है। शेयर कैपिटल क्या बला है? शेयर कैपिटल क्या चीज है जी, ये हम बच्चों बात करने जा रहे हैं। शेयर कैपिटल वो सरमाया है जो लोगों से इकट्ठा किया जाता है कारोबार को चलाने के लिए। कंपनी का बिजनेस जो वो रन करना है कंपनी ने, वो जनाब डेफिनेटली सरमाए से ही होता है। सरमाए के बगैर बिजनेस जो है वो नहीं चल सकता जनाब, और सरमाया एक कंपनी के एनवायरनमेंट में वो कैसे इकट्ठा किया जाता है ये है बच्चों जो मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जी जरा सुनिएगा कि शेयर कैपिटल जो कंपनी का सरमाया है इसको मैं फॉर एग्जांपल एक कंपनी के हवाले से जिसका नाम मैंने पहले रखा हुआ है अहमद गारमेंट्स लिमिटेड। तो जी अहमद गारमेंट्स लिमिटेड जनाब अगर वो फॉर एग्जांपल एक शेयर जारी करती है अपना, और वो शेयर है 10 रुपए का, और ये शेयर जो है इनकी तादाद अगर 1 मिलियन है, तो इन 1 मिलियन शेयर से कंपनी के पास कितना सरमाया इकट्ठा होगा अगर एक शेयर की कीमत जनाब वो 10 रुपए है? इतना हिसाब किताब, इतनी कैलकुलेशन मामूली सी, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं कि नहीं? इससे जनाब कंपनी को जो सरमाया इकट्ठा होगा वो जनाब कितना है, ताएं तो सही, कितना सरमाया कंपनी के पास इकट्ठा होगा ये सवाल है। जी हाँ, 100 मिलियन। 100 मिलियन, 10 मिलियन,
यार देखे ना, थोड़ा सा जहन जो है आपका वो किस तरफ है। इतनी कैलकुलेशन नहीं आपको सही आ रही, तो कल को आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट्स वगैरह को कैसे दुरुस्त करना है। अगर आपको 100 मिलियन और 10 मिलियन का फर्क ही नहीं पता। जी हाँ, 1 मिलियन तो 10 मिलियन जी, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा। 1 करोड़ रुपया जो है वो 10 मिलियन होती है रकम। तो जी ये 10 मिलियन की रकम जो सी है, ये कंपनी के पास फॉर एग्जाम्पल इन तमाम लोगों से इकट्ठी हुई है। ये जो तमाम लोग इस स्लाइड के ऊपर, जैसे मैंने शो किया कि किसी के पास कम नंबर के शेयर्स हैं, किसी के पास ज्यादा नंबर के शेयर्स हैं, तो इस तरह से बच्चों ये मुख्तलिफ अफराद जो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, और यहाँ मैंने इंडिकेट करने की कोशिश की है कि ये मुख्तलिफ अफराद जो हैं इनके पास कंपनी के कितने कितने शेयर हैं, और ये सारे टोटल अगर आप करें ना तो वो जनाब 1 मिलियन ही बनते हैं। मैंने बड़ी एहतियात से जनाब इनको इस तरह से डिवाइड किया है। तो जी ये सारे वो अफराद हैं जिनसे ये पैसे इकट्ठे हुए हैं, और ये इनसे पैसे इकट्ठे होकर ये मैंने जनाब आमतौर के ऊपर, जैसे शुरू में भी आपको पिछली स्लाइड के ऊपर हाईलाइट किया है, शेयर कैपिटल को एक बीकर की शक्ल में, तो उस बीकर में ये सरमाया जो इकट्ठा हुआ है वो इन्हीं सब लोगों की जेबों से निकल कर इकट्ठा हुआ है। मैंने जो इसको सारी फनकारी की तरह से हाईलाइट किया है, मैं दोबारा दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए कि सरमाया ये इन तमाम लोगों के इन शेयर से इस तरह से कंपनी ने इकट्ठा कर लिया। ये जनाब 1 करोड़ रुपया जनाब ये इस बीकर में, ये वो पेट्रोल है, ये वो रकम है, ये वो कंपनी के एसेट्स हैं जिनसे कंपनी ने अपने कारोबार का आगाज करना है। ये वो सरमाया है जिससे कंपनी ने अपने बिजनेस को रन करना है। ये बच्चों शेयर कैपिटल कहलाता है, ये सारा सरमाया ये शेयर कैपिटल कहलाता है। और ये जो पर्टिकुलरली मैंने ये सारी ड्राइंग जो बनाई है खास तौर पे हाईलाइट करने के लिए कि इन तमाम लोगों से सरमाया इकट्ठा होकर इस तरह से ये शेयर कैपिटल ये आ जाता है कंपनी के पास। कंपनी का ये शेयर कैपिटल जनाब, इसके हवाले से फर्दर मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट की यहाँ एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आपको याद है मैंने बच्चों आपको सीडीसी के बारे में बताया था। सीडीसी क्या होता है, कोई मुझे हाईलाइट कर सकता है? इस वक्त जो सारे दोस्त बैठे हैं जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे बताइए कि सीडीसी ये क्या चीज होती है। सीडीसी का क्या मतलब है? सीडीसी क्या बला है? व्हाट? ओप्स, जी बच्चों मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे बताइए व्हाट डज सीडीसी स्टैंड्स फॉर। सीडीसी ये क्या चीज है? व्हाट डज सीडीसी स्टैंड्स फॉर? हाँ जी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। तो सीडीसी करती क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीडीसी? सीडीसी का फंक्शन क्या है? एक्ट लाइक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में फिर क्या होता है?
ओल्ड कंपनी शेयर्स, बिल्कुल ये बैंक अकाउंट की तरह से काम करता है, और इस बैंक अकाउंट मतलब इस अकाउंट में इन इसके सीरीज के अकाउंट्स में कंपनीज के शेयर्स होते हैं। बच्चों ये जो आज के जमाने में ये एक नया सेटअप जिस तरह से सीरीज कैसे कह लें आपके सामने ये है चल रहा है, तो पुराने वक्तों में ऐसा नहीं हुआ करता था। पुराने वक्तों में फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे। यहाँ पर आपके सामने स्लाइड के ऊपर मैंने ये एक फिजिकल शेयर्स की तस्वीर है जो दिखाने की कोशिश की है। फिजिकल शेयर्स यहाँ ये एक शेयर सर्टिफिकेट है जो आपको बता या दिखाया गया है। तो लंदन एंड ग्लोब फाइनेंस कॉरपोरेशन का ये जो शेयर है इसके ऊपर क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, ये है हमारा टॉपिक। और जी इसमें भी कैपिटल जो सरमाया इकट्ठा किया गया वो 2 मिलियन का सरमाया इकट्ठा गया किया गया और इसको 200,000 शेयर में डिवाइड किया गया, जो कि शेयर जिन से हैं वो 1 पाउंड ईच है। 100 शेयर को 1.1 पाउंड ईच। ये सारी बात जो है बच्चों मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ आपके जनाब स्क्रीन के ऊपर के कहाँ लिखी हुई है। ये देखिए ये जनाब कंपनी एजेंसी है जिसका ये मैं शेयर सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ, तो उसमें ये कंपनी का पूरा कैपिटल है जनाब जो यहाँ पर इंडिकेट किया गया जो कंपनी ने इकट्ठा किया, और इस कैपिटल को उन्होंने यहाँ ये बताया है कि जनाब कितने शेयर में उन्होंने डिवाइड किया है इन 200,000 शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 1 पाउंड ईच। तो जी ये इसके साथ में एक और चीज भी है यहाँ पर, ये जो एक सर्टिफिकेट है ये कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स को इंडिकेट करता है ये यहाँ ये बात लिखी हुई है, और साथ में ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, और यहाँ पर बताया गया है कि इस सर्टिफिकेट का नंबर क्या है। ये सर्टिफिकेट जो है ये जनाब इसके ऊपर ये जो अंग्रेजी वगैरह भी लिखी होती है और इसमें ये उस बंदे का नाम लिखा हुआ है जिस बंदे के ये शेयर हैं या जिसको इनिशियली ये सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया गया। ये देखिए ये वो आदमी है जिसके नाम पर ये शेयर जो हैं वो जारी किए गए हैं। सॉरी ये देखिए ये वो आदमी है जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है और इस बंदे को ये शेयर उनसे हैं वो जारी किए गए थे इनिशियली। अब अगर फर्दर इसने ट्रांसफर करने होते ट्रांसफर कैसे करता है, ये जनाब पुराने वक्तों में जो ट्रांसफर करना होता था तो इसी सर्टिफिकेट की बैक साइड के ऊपर जनाब इसके ट्रांसफर के लिए बॉक्सेस बने होते थे, और जनाब जब एक शेयर किसी को बेचा जाता था तो उस ट्रांसफर बॉक्स में उस अगले बायर का नाम लिख दिया जाता था। अच्छा जी यहाँ पर एक दोस्त उनसे हैं वो जनाब ये आ रहे हैं ये कुछ पूछना चाह रहे हैं, और मैं पहले इनकी तरफ जरा मतवज्जो हो जाऊं, और वो ये कह रहे हैं सर हाउ कंपनी डिसाइड द प्राइस ऑफ शेयर दैट व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ शेयर। ये बेटा आमतौर के ऊपर कंपनी जो सी है वो सरमाया जो उन्होंने इकट्ठा करना है तो उसमें उन उसकी वैल्यू ये खुद से बेटा इसको वो सोच लेते हैं कि कितनी रकम होनी चाहिए। कोई भी डिनोमिनेशन हो सकती है, मसलन कहीं पर कोई इनिशियली शेयर की वो प्राइस जो सी वो रखते हैं तो 10 रुपये रख लेते हैं, और फिर कहीं कोई कंपनी की इनिशियल शेयर प्राइस जो सी है फेस वैल्यू जो सी है वो 100 रुपया भी रख सकते हैं। ये बेटा जनाब कैसे रखते हैं इसके लिए वो कोई अपना जनाब हिसाब किताब लगाते हैं कि दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू जिसको सामने रखकर वो शेयर्स की जनाब बाइंग एंड सेलिंग जो की है वो मतलब उसको इनिशियली वो करना चाहते हैं। ये अपने पूरे शेयर कैपिटल को डिवाइड करने के बाद से है कि उसको जितने छोटे डिनोमिनेशन में वो लेकर जाना चाहें वो समझते हैं कि उतनी ज्यादा लिक्विडिटी हो सकती है,
और जितने बड़े डिनोमिनेशन के ऊपर लेकर जाएं तो जी ये उतने ही कम उसकी लिक्विडिटी हो सकती है। क्या मतलब लिक्विडिटी से? लिक्विडिटी से मेरा मतलब ये है कि देखें, अगर जनाब आपने लोगों को सैलरी देनी है और सैलरी देने में उनको आप हजार हजार के नोट दे देते हैं, तो हजार हजार के नोट उनसे है ना वो आसानी से कैरी कर सकते हैं, और जनाब कोई जरूरत हो तो उस हिसाब से जनाब वो बाजार में उनके ये 1,000 रुपए का नोट जो है उसका फर्दर चेंज भी मिल सकता है, उसकी इनको चीजें मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपने किसी को सैलरी देनी है और उसके लिए उसको 5-5 हजार रुपए के नोट दे देते हैं, तो 5 हजार रुपए के नोट का चेंज भी आमतौर के ऊपर आसानी से नहीं मिलता, और जनाब उसमें जो है वो चीजें क्योंकि खरीदनी उन्होंने छोटी छोटी हैं, तो ये 5 हजार रुपया तो जनाब पहले उनको अजाब होगा कि उसकी वो जनाब रकम जो सी है वो कन्वर्ट करवाएं, यानी कि उनको हजारों के नोट में कन्वर्ट करवाएं, फिर कहीं जाकर उनको जनसन आगे अपने वो जरूरत के लिए उसको इस्तेमाल करने का एक मौका मिल सकता है। लेकिन यही 5-5 हजार के नोट अगर आपने जनाब करोड़ों अरबों की डील करनी है उसमें किसी को देने हो तो जी बड़ी सहूलत होती है। एक शेयर की प्राइस भी जो सी है वो उसकी डिनोमिनेशन भी कुछ इसी तरह के माइंडसेट के साथ में की जाती है कि क्या हम जनाब इस शेयर की कीमत जो सी है वो ज्यादा रखकर इसकी लिक्विडिटी जो सी है उसको हम कंटेन करें, या जनाब इसको लेसर डिनोमिनेशन के ऊपर रखकर जो है इसमें इसकी लिक्विडिटी को इंक्रीज करके लोगों से जो सरमाया इकट्ठा करना है उनको जनाब आसानी से इकट्ठा कर सके। ठीक है, तो ये एक मेन आइडिया होता है कि शेयर की प्राइस जो सी है वो उसको उसकी वैल्यू जो सी है वो कितनी रखी जाए, तो ये एक जनाब कंपनी का अपना डिसीजन है, और कंपनी जो सी है वो जरूरी नहीं कि हमेशा शेयर की प्राइस जो सी है वो 10 रुपए ही रखे। जैसा कि आमतौर के ऊपर पाकिस्तान में जो शेयर की प्राइसेज जो सी रखी जाती है वो 10 रुपए रखी जाती है, लेकिन कहीं 100 रुपए भी उसकी फेस वैल्यू रखी जा सकती। वो यही सोचते हैं कि जी 10 रुपए प्राइस रख लेते हैं, बाद में अच्छी परफॉर्मेंस देकर ये शेयर 100 रुपए का भी बिक सकता है मार्केट में, 1,000 रुपए का बिक सकता है और 5,000 का बिक सकता है। कंपनी को जो पैसे इकट्ठे होंगे वो 10-10 रुपए के हिसाब से इकट्ठे होंगे, वो अपने अकाउंटिंग का हिसाब लगा करके जनाब जब कल को डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे वो भी 10 रुपए के शेयर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, और चाहे वो शेयर मार्केट में जनाब बिक रहा हो 150 रुपए का या 1,500 रुपए का बिक रहा हो, इससे उनको कोई गरज नहीं, उन्होंने जनाब वो जो वैल्यू फेस के ऊपर रखी थी, फेस ऑफ शेयर के ऊपर रखी थी, कल को जनाब डिविडेंड्स और रिटर्न्स उनसे हैं उनकी कैलकुलेशन उसी फेस वैल्यू के ऊपर होगी। तो ये फैसला कंपनी का ही होता है कि उन्होंने ये फेस वैल्यू जो सी है उसके किस तरह से एडवांटेज उनसे ना उठाने। हमारे दोस्त जिन्होंने ये सवाल किया था, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको उनके सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि कंपनी जनाब ये क्या सोचकर जो है एक शेयर की फेस वैल्यू रखती। बहरहाल जी हम आगे चलते हैं, ये मैंने जो मुख्तलिफ चीजें अंडरलाइन की हैं इसके ऊपर अपने ये शेयर सर्टिफिकेट के हवाले से, इन्हीं को अब मैं जनाब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एक शेयर सर्टिफिकेट जो है उसके लिए ये कहा जाता है कि शेयर सर्टिफिकेट ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इशू शेयर सर्टिफिकेट टू एवरी शेयर होल्डर विद इन 90 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द एप्लीकेंट। तो जी ये सबसे पहली जनाब रिक्वायरमेंट है कि एक शेयर सर्टिफिकेट जारी किसी को किया गया है तो उसके लिए वो 90 डेज के अंदर अंदर जनाब उसको शेयर अलॉट भी कर देंगी, मतलब नाम लिख देंगी, उनके नाम पर ये जनाब जो शेयर सर्टिफिकेट है वो भेजे जाएंगे। दी शेयर सर्टिफिकेट हैज फॉलोइंग फीचर्स, और एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो बातें लिखी होती हैं वो क्या है, उनकी अहमियत क्या है, उसमें सबसे पहले इट इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप, ये एक मलकियत का सबूत, जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो वो जनाब कंपनी के शेयर का उतने शेयर का मालिक है जो कि उसके ऊपर लिखे हुए। ये जो अभी मैंने आपको सर्टिफिकेट पीछे जिसके ऊपर हाइलाइटर के साथ में आपको मुख्तलिफ कंटेंट्स जो हाईलाइट किए हैं, तो उसमें जनाब अगर आप देखें
तो शेयर्स जो है ना उसको मैंने हाईलाइट किया है कि नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो कि किसी एक शख्स ने इस कंपनी में लिए हैं और इतने शेयर्स के लिए वो इस कंपनी में मालिक है, हिस्सेदार है। तो शेयर सर्टिफिकेट एक्चुअली एक ओनरशिप का प्रूफ है। दूसरा, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय शेयर होल्डर। ये सर्टिफिकेट जो उनका ना है, इसमें ये भी इंडिकेट किया गया होता है कि एक शख्स के पास कितने कंपनी के शेयर हैं। इट कैरीज डिस्टिंक्टिव नंबर, ये मैंने ऊपर डिस्टिंक्टिव नंबर की बात भी जो उसने हाईलाइट करके आपको दिखाया, मैं दोबारा भी अगर आप कहें तो आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि यूं देखिए जी, ये मैं पहले सारा मिटा कर आपको बच्चों दोबारा हाईलाइट करके भी ये बात बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पर जो ये लिखा हुआ है कि इट डिनोट्स द नंबर ऑफ शेयर ओन्ड बाय द शेयर होल्डर, तो ये बात दूसरी नंबर ऑफ शेयर वाली बात वो यहां लिखी हुई है। ये देखिए, ये है वो नंबर ऑफ शेयर, और ये देखिए ये वो सीरियल नंबर है जिसके हवाले से अगला थर्ड पॉइंट है, इट कैरीज डिस्टिंक्टिव नंबर। ये वो डिस्टिंक्टिव नंबर है कि जिसका कि वो जिक्र कर रहा है, ये डिस्टिंक्टिव नंबर जनाब एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर दिया गया होता है। उससे अगली जो बात है और वो ये है कि एक शेयर सर्टिफिकेट जो है, इट कैरीज सिग्नेचर्स ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जेक्टिव, के इसके ऊपर डायरेक्टर्स और चीफ एग्जेक्टिव के सिग्नेचर्स भी होते हैं, जो कि यहाँ जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर ये देखिए नीचे वाले पोर्शन में आपको नजर आ रहे हैं। ये जो नंबर हैं, ये जो सिग्नेचर्स हैं, ये डायरेक्टर और चीफ एग्जेक्टिव वगैरह के सिग्नेचर्स हैं। फर्दर जो बात आपको यहाँ पर जो बताई गई है शेयर सर्टिफिकेट के हवाले से, और वो ये है, व्हेन एवर शेयर होल्डर वॉन्ट्स टू ट्रांसफर शेयर टू समवन, ही हैज टू गेट चेंज ऑफ नेम फ्रॉम द कंपनी। और जनाब जब भी जो है वो कोई एक बंदा अपने शेयर किसी दूसरे को बेचता है तो उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि जिसको उसने शेयर बेचे हैं उसका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में वो दर्ज करवाएगा कि मैंने ये शेयर बेच दिए हैं, और जिस शख्स को बेचे हैं उसका नाम जो है अब कंपनी के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए। ये सारी बात दूसरी बच्चों जो मैंने यहाँ पर आपको बताई ये शेयर के ट्रांसफर होने के बाद से, ये बच्चों आप आसानी से रिलेट करके किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट के बिकने से भी इसको बिकने के अंदाज में भी इसको देख सकते हो। मैंने जनाब अगर बहरिया में प्लॉट खरीदा जो मेरे नाम पर है, और अब मैं जनाब ये प्लॉट अगर आगे किसी को बेच देता हूँ, तो अगला शख्स जो होगा वो भी ख्वाहिश रखेगा कि बहरिया के रिकॉर्ड में, बहरिया के पास जो जनाब अपनी उस सोसाइटी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें उस प्लॉट के हवाले से उसका इंदराज हो जाए कि उस प्लॉट का अब एक्चुअली करंटली मालिक कौन है। तो वही शख्स अपने आप को लिखवाना चाहेगा जिसने के वो जगह जिनसी है वो खरीदी। तो इसी तरह से जिस शख्स ने ये शेयर खरीदे तो वो भी चाहता है कि इस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर भी उसका नाम आ जाए, जो मैंने बताया था आपको कि वो ऑन द बैक ऑफ द सर्टिफिकेट जो है वो नाम लिखा जाता है। लेकिन सर यहाँ ही नहीं बल्कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में भी, कंपनी के रजिस्टर में भी इसका नाम दर्ज हो जाए क्योंकि वो शेयर ना कंपनी के खरीद चुका है, और पहले वाला सेलर उसका अब कंपनी के इन शेयर के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। तो ये बच्चों इस तरह से मैंने आपको इंडिकेट किया यहाँ पर जो आपको इस स्लाइड में जो एक शेयर सर्टिफिकेट के हवाले से मुख्तलिफ चीजें जो बयान की गई थी। अच्छा, अगर शेयर जो है वो सीडीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसमें ये सारी चीजें आपको नजर नहीं आती, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है सीडीसी की मिल जाती है कि फलानी कंपनी के इतने शेयर ना आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। बिल्कुल पड़े हुए हैं जी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि कोई आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो मिल जाए कि आपके फलाने बैंक अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। यहाँ पैसे नहीं होते, यहाँ पर शेयर्स होते हैं जो कि पड़े हुए हैं। चलें, आपको ये भी बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इस स्लाइड से मुतालिक जो मैंने सारी बातें बताई हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों?
कुछ पूछना चाहते हैं आप, कोई चीज जो आपको लगा हो कि स्लाइड के ऊपर ना अब क्लियर नहीं है, तो सवाल कीजिए। सवाल करने से ही आगे बात बढ़ती है। अगर आप गुमसुम दुमसे ना वो बैठकर सिर्फ देखते रहेंगे तो मुझे बच्चों शुभ होना शुरू हो जाएगा, कहीं आप सो तो नहीं गए? ठीक है, तो आप रिस्पॉन्ड करते जाइए और पर्टिकुलरली जो बात मैं पूछूं उसका जवाब दीजिए, ताकि मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास होता रहे। जी, अभी तक जनाब एक दो जवाब वसूल हुए हैं, और जो दोस्त अहबाब हैं उनकी तरफ से भी जवाब सुनना मुतवक्को है कि वो बताएं कि यहाँ तक जो स्लाइड में मैंने आपको बातें बताई हैं क्या सब दोस्तों को क्लियर हो गई हैं? अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं फिर। अब अगला जनाब पॉइंट जो है, अगला टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं, और वो ये है कि एक कंपनी में जो शेयर्स हैं उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसमें सबसे पहले जो जिक्र यहाँ पर आता है वो है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का। ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है? दी लिमिट विच कैन नॉट बी क्रॉस्ड विदाउट अमेंडिंग दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एक्चुअली वो ये पर्टिकुलर अमाउंट है, वो ये पर्टिकुलर लेवल है जिस हद तक जनाब कंपनी का सरमाया इकट्ठा किया जा सकता है, और इससे ऊपर नहीं जा सकते हम, इसे नीचे ही नीचे रह सकते हैं, चाहे नीचे की जितनी मर्जी लेवल आप जनसन उस तक अपने आप को मेंटेन कर लें, लेकिन इस बीकर के साइज से इजाफी जनाब आप जनसन सरमाया इकट्ठा नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो जी, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल वो लिमिट जिस हद तक कोई एक सरमाया जनसन कंपनी में वो इकट्ठा किया जा सकता है। इसके बाद है जी इशूड स्लैश अलॉटेड शेयर कैपिटल। जी, अगर किसी कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल जो है उसकी बात करें तो ये वो शेयर हैं जो कंपनी ने जारी करनी है। यहां पर मैंने इसको बीकर में ब्लू कलर के कंटेंट्स का एक लेवल शो करके हाईलाइट किया है कि ये वो सरमाया है, ये वो बीकर का लेवल है जो कि भर दिया गया। ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल जो मैक्सिमम अमाउंट है भरी जा सकती है, और इशूड या अलॉटेड शेयर कैपिटल वो लिमिट है जहां तक भर दिया गया है, जहां तक जनाब लोगों का सरमाया दूसरा कंपनी के पास इकट्ठा हो चुका उसको हम बोलते हैं इशूड या अलॉटेड शेयर कैपिटल। उसके बाद जनाब अगला जो पॉइंट है वो है पेड अप शेयर कैपिटल। देखें जी, जितना इश्यूड या अलॉटेड शेयर कैपिटल है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ये कहता है कि वो सारे का सारा पेड भी होगा, कोई अमाउंट जो सी है वो आउटस्टैंडिंग नहीं होगी, जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं वो तमाम के तमाम फुली पेड होंगे। लेकिन यहाँ पर जनाब पेड अप शेयर कैपिटल के हवाले से एक वेस्टर्न कंट्रीज का जिक्र जो अगर हम देखते हैं तो उसमें ये नजर आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में फुली शेयर का जनाब की पेमेंट से वो जरूरी नहीं होती। और मैं यहां से पढ़ता हूं कि पेड अप शेयर कैपिटल का क्या मतलब है। देन द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर इशूड, और फिर जनाब वो पैसा जो कंपनी के पास इकट्ठा हुआ है शेयर के लोगों के शेयर की मद में, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। इसके बाद जनाब शेयर कैपिटल की एक और किस्म जुड़ती है वो है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एक्चुअली ये डिफरेंस है बिटवीन पेड अप शेयर कैपिटल एंड इशूड शेयर कैपिटल, जो कि अब नहीं होता, मौजूदा दौर में ये अलाउड नहीं, लेकिन जनाब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के आने से पहले ये जनाब जो एरिया है, जो ये जनाब यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है कि ये वो सरमाया जो जनाब इकट्ठा हो गया, ये वो लेवल जो कि जनाब हासिल हो गया एक डिफरेंस के साथ में,
कि इस हद तक सरमाया जो है वो कंपनी को मशगूल नहीं हुआ। ये जो फर्क है, ये फर्क, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, विच इज नोन एज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, नोन एज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल पहले जनाब कंपनी में आप मेंटेन कर सकते थे, लेकिन मौजूदा दौर में आप ये अलग से मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये आपको तमाम शेयर जो आपने जारी किए हैं इनको फुली पेड रखना पड़ता है। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि जो कॉल्ड अप हो और फिर कोई जनाब रकम वसूल कर ली गई हो तो वो बाद में जनाब जब वसूल की गई है तब ये शेयर जारी किए जाएंगे। तो जितने भी जारी किए जाएंगे सब के सब पैसे वसूल किए जा चुके हैं, लेकिन कोई लोग वादा कर लेते हैं और दे देंगे जनाब, क्या मसला है जनाब, शेयर तो आप दें, तो उनके लिए जो है ये कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की टर्म यूज की जाती है, जो कि जैसे मैंने बताया कि अब कंपनीज ऑर्डिनेंस 1994 के आने के बाद से ये नापैद हो चुकी हुई है। यहाँ पर यही चीज उनसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आपको। आफ्टर द प्रोमल्गेशन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1994, इट इज असेंशियली रिक्वायर्ड दैट ए कंपनी मस्ट इश्यू फुली पेड शेयर, देयरफॉर इट इज वेरी रेयर टू हैव कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। आजकल के दौर में कॉल्ड अप शेयर कैपिटल जो है ये होना बहुत ही एक नॉवल्टी है, बहुत ही एक नया सी बात है, क्योंकि अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1994 इट इज रिक्वायर्ड कि कॉल्ड अप शेयर कैपिटल जो है वो ही होगा, जिस मतलब कंपनी में, सॉरी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल नहीं होगा और कंपनी में सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल ही होगा। ये है बच्चों जो मैं कहना चाह रहा था। ये स्लाइड भी क्लियर हो गई। इस स्लाइड के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? ताइए, क्या प्रॉब्लम है? सवाल पूछिए। हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे हैं सर प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है पूछिए, मैं आपको बताता हूं। जी सवाल कोई नहीं, फिर आगे बढ़ाना शुरू करूं। कैन वी गो अहेड नाउ? अच्छा चलें जी, अब बच्चों फर्दर आगे, अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं एक। आपसे जरा एक कहानी सुनिए। मैं मेरी इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एक कंपनी में डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर ये कैसे बन जाते हैं। मेरी कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एक कंपनी में डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर ये कैसे बन जाते हैं। जरा कहानी सुनिए। कहानी स्टार्ट होती है इस तरह से कि ये पहले आपके लिए जरा एक टाइमलाइन है जो यहां बन गई। ये टाइमलाइन से क्या मतलब? टाइमलाइन जानते हैं हम, सारे फेसबुक यूज करते हैं। टाइमलाइन से क्या मतलब जी? सबसे पहले इस टाइमलाइन में बच्चों मैं इंडिकेट करना चाहता हूं सन 2001। सन 2001 की बात है कि एक कंपनी थी और उस कंपनी का नाम था अहमद गारमेंट्स लिमिटेड। मैंने अहमद गारमेंट्स लिमिटेड को यहां पर एक पर्सनालिटी, एक जनाब की
क्यूट सी बच्ची के बात से दुलसाना वो हाईलाइट किया है, तो वो इसलिए इंडिकेट किया है कि कंपनी मोनस होती है जी, मैस्कुलन फेमिनन जानते ना, मोनस है जी फेमिनन, मेरी कंपनी ऐसा बोला जाता है ना, तो इसलिए जनाब ये अहमद गारमेंट्स लिमिटेड ये कंपनी थी, इसने जनाब ना बिजनेस 2001 में स्टार्ट किया, इस कंपनी ने जनाब ऑर्डिनरी शेयर जारी किए और ऑर्डिनरी शेयर से अपना सरमाया इकट्ठा करने के बाद कंपनी ने उस सरमाए से जनाब काम शुरू कर दिया। ये बीकर में ब्लू रंग के जो पानी है इसको मैं जनाब कंपनी के शेयर के पास इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये कंपनी का शेयर कैपिटल जो लोगों को शेयर देकर कंपनी ने पैसे इकट्ठे किए हैं उससे है कि जो कंपनी ने अपने कारोबार का आगाज किया। फिर क्या हुआ जनाब, कंपनी एजेंसी थी वो सन 2005 तक बड़ी हैप्पी बड़ी खुशो खुरम चल रही थी, और उसकी वजह कंपनी जो सी थी वो अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे रही थी और कंपनी के मेंबर्स बहुत खुश थे और जनाब जिंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजर रही थी, मैनेजमेंट भी खुश मेंबर्स भी खुश, और जैसे नीचे लिखा हुआ है थिंग्स वर फाइन एंड ऑल द शेयर होल्डर्स वर गेटिंग पेड the dividends that company was distributing from the profits earned. Happy first देखकर वैसे ही दिल खुश हो जाता है, लेकिन बच्चों आप समझते हैं कि जिंदगी में happiness ही नहीं होती, जिंदगी में उतार चढ़ाव में जनाब कभी गमी भी आ जाती है। और फिर सन 2008 में मेरे इस टाइमलाइन के ऊपर इस कंपनी जिसका नाम मैंने रखा है अहमद गारमेंट्स लिमिटेड, इसको जनाब को एक बहुत बड़ा झटका लगा, और वो झटका क्या था, वो झटका ये था कि अहमद गारमेंट फेस्ड ए ह्यूज लॉस व्हेन फेसिंग कंपटीशन विद चाइना, इट लॉस्ट मोस्ट बेनिफिशियल क्लाइंट्स इन यूरोप। कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा जी, कंपनी के जनाब जो अच्छे क्लाइंट थे वो जनाब कंपनी एजेंसी है उससे उसको हाथ धोने पड़े, क्योंकि कंपनी एजेंसी थी उसका कंपटीशन चाइना के साथ हो गया है और चाइना ने जनाब वो इनको जो है वो बड़ा टफ टाइम दिया है, और जो इनके अच्छे क्लाइंट्स थे जनाब यूरोप में वो जनाब चाइना से माल मंगवाना शुरू हो गए और कंपनी एजेंसी है वो जनाब हक्का बक्का रह गई, कंपनी के जनाब होश हवास जिनसे हैं वो गुम हो गए। फिर क्या हुआ जनाब, नेक्स्ट कहानी का अगला सीन, और वो है सन 2010 तक, कंपनी एजेंसी है वो अब बिल्कुल मायूस हो चुकी हुई और इनको जनाब अब इस टफ कंपटीशन में अपने आप को कमबैक करने के लिए जनाब मजीद सरमाया मजीद मशीनरी मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। टू मेक ए कमबैक इन कंपटीशन अहमद गारमेंट्स लिमिटेड नीडेड मनी टू इंप्रूव इट्स मशीनरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जनाब सन 2010 में जनाब इनको जो अपनी कमियों को अपने जनाब वो जो शॉर्टफॉल्स को दूर करने के लिए जो उनका एनालिसिस था तो वो उन्होंने जब कर लिया तो फिर जनाब उसके बाद एक और अगला सीन, सन 2011 में कंपनी एजेंसी है इट हैज टू मेक ए डिसीजन, दिस अमाउंट कुड बी जनरेटेड कुड हैव बीन जनरेटेड थ्रू लोन्स but meager assets of the company were not sufficient to support the loan, therefore the company decided to increase its share capital by issuing more shares. देखें जी, कंपनी ने सन 2011 में ये फैसला करना था कि आया ये लोन की अमाउंट जनाब उससे जनाब अपने ये जरूरत को पूरा करें या ये अपने एसेट्स इंक्रीज करें। एसेट्स बच्चों मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ, कंपनी का शेयर कैपिटल जिनसा होता है कंपनी के एसेट्स होते हैं, और कंपनी जनाब जो उधार पैसे लेती है क्रेडिटर्स से या बैंक से वो जनाब कंपनी की लायबिलिटी होती है। तो जी ये लोन लेकर लायबिलिटी जनाब अपने लिए बनाना चाहेंगे ताकि मार्केट में कंपटीशन कर सकें और फिर कल को हो सकता है इसी लोन के नीचे दबते चले जाए, या ये क्या करें कि नए शेयर जारी करें और नए शेयर जारी करके ये मजीद सरमाया इकट्ठा करें। लेकिन जनाब डूबती हुई कंपनी के शेयर खरीदेगा कौन, ये भी बच्चों एक बहुत बड़ा सवाल होता।
और फिर भी इन्होंने कहा कि जनाब हम शेयर्स उनसे हैं, उनमें कोई ऐसा इंसेंटिव क्रिएट कर देंगे, शेयर्स उनसे हैं, उनके बाद से कोई ऐसी बात करेंगे शेयर के हवाले से, जनाब अपने जनाब नए जो प्रोस्पेक्टिव शेयर्स के बायर उनसे होंगे उनको कुछ ऐसा बताएंगे कि वो जनाब शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो ऐसा करने के लिए कंपनी ने जनाब क्या किया कि सन 2012 में जनाब एक नए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर्स उनसे जारी किए जो कि ऑर्डिनरी शेयर से हटकर थे, मुख्तलिफ थे, और उसमें इन्होंने जनाब जो इन शेयर के बायर होंगे उनके लिए वादा किया था कि हम आपको 10% डिविडेंड जो है क्यूमुलेटिव डिविडेंड जो है वो दिया करेंगे। और बच्चों इस तरह से जनाब कंपनी ने एक डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर क्रिएट कर दिए, और ये जो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर थे इसमें जनाब जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स थे उनसे हटकर जनाब को एक एडवांटेज जनाब दिया गया था, और वो था कि इनको 10% डिविडेंड क्यूमुलेटिव डिविडेंड ये जनाब दिया जाएगा। देखें जी अगर कोई फिक्स डिविडेंड क्यूमुलेटिव डिविडेंड जनाब देने का वादा किया गया हो वो एक बायर ऑफ द शेयर के लिए ज्यादा अच्छा इंसेंटिव हो सकता है एज कंपेयर टू के भाई उसको अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो थमा दिया जाए जिसके ऊपर अगर प्रॉफिट होगा तो वो उसको डिविडेंड मिलेगा और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। जी एज कंपेयर टू जी बच्चों मैं जरा एक कॉल अटेंड कर लूं, आई विल बी बैक विद यू इन ए व्हाइल, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कार एजेंसी है उसमें बच्चों ये जो मैंने नया एक ट्विस्ट और एक नया जनाब एंगल दिया और उसमें ये था कि जनाब कंपनी ने नए शेयर जारी किए। कंपनी को नए शेयर क्यों जारी करने पड़े, हमने सारी स्टोरी लाइन में ये बात देखी है क्यों जारी करने पड़े। कंपनी क्या ऑर्डिनरी शेयर दोबारा नहीं जारी कर सकती थी? कंपनी ऑर्डिनरी शेयर दोबारा जारी करती तो भाई पहली कंपनी का इतना जनाब बेड़ा गर्क हुआ हुआ है तो कंपनी में नए लोगों को क्या इंसेंटिव था कि वही शेयर उनसे हैं जो कंपनी नए जारी कर रही है वो बस खरीद ले। कंपनी को कोई इंसेंटिव देना पड़ता है अपने शेयर को जनाब वो बेचने के लिए, क्योंकि जनाब पहले शेयर होल्डर उनसे ना अगर तंग पड़े हुए हैं ऑर्डिनरी शेयर लेकर तो मजीद भी जनाब ऑर्डिनरी शेयर जारी करके जो लोग इसमें शामिल होंगे वो जनाब हो सकता है वो इतना उनके लिए कोई चार्मिंग जनसन इसमें इफेक्ट ना हो। लिहाजा जनाब एक नई क्लास ऑफ शेयर जनसन कंपनी ने क्रिएट कर दी, और इस नई क्लास ऑफ शेयर से क्या होगा कि जनाब कंपनी को नया जो एक खून एक नया जनाब जो एक एज मिला है उसको लेकर जनाब कंपनी जो सी है वो अपने कंपटीटर्स का मुकाबला कर सकेगी और आगे ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ सकेगी, और वही खुशियां वही जनाब सारी मुसरतें वही तमाम जनाब जो उनका एक पहले से एक मेयार था एक जनाब वो एक लेवल था वही जनाब दोबारा वो लेवल हासिल करने की कोशिश करेंगे।
वो क्या लेवल था यहाँ पर बच्चों, जो एक सन 2005 में जनाब उनकी खुशी का जो जनाब जो मैयार था, जो खुशी का जो एक लेवल था, वो लेवल दोबारा जनाब कंपनी अचीव करने की कोशिश करेगी इस नए सरमाए से जनाब। ये सारी खुशियां शायद इनको मिल जाए, इसलिए बच्चों उन्होंने ये सारा जनाब काम किया। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि एक कंपनी में डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर कैसे बन जाते हैं। क्या ये मेरी कहानी पसंद आई आपको बच्चों? क्या इस कहानी में आपने जो मैसेज था वो बच्चों पिक कर लिया? जी बच्चों, हैव यू फॉलोड द पर्टिकुलर पॉइंट जो मैं यहाँ इस कहानी में आपको बताना चाह रहा था? क्या इस पॉइंट को, इस मोरल ऑफ द स्टोरी को आप समराइज कर सकते हो कि मैं इस स्लाइड के ऊपर आपको क्या समझा रहा था? इस स्लाइड के ऊपर जो कहानी आपने बच्चों नोट की, इस कहानी को आपने जी जी एक सवाल पूछा गया है और वो ये है कि सर प्रेफरेंस शेयर के और क्या एडवांटेज होते हैं? जी प्रेफरेंस शेयर का एक छोटा सा कंपैरिजन ऑर्डिनरी शेयर से मैंने अगली स्लाइड के ऊपर किया हुआ है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई कि ये जनाब जो प्रेफरेंस शेयर हैं या ये जो डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर हैं, ये कंपनी क्यों कर जारी करती है। ठीक हो गया बच्चों? चले फिर अब आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को मजीद आगे और लेकर चलते हैं। तो इसमें जनाब टाइप्स ऑफ शेयर में एक कंपनी में इशू शेयर और डिफरेंट टाइप्स Each having different values, rights and rights attached to them. There are three categories you should be aware of. Company में जो different types of shares होते हैं उनको जनाब हम जो categorize कर सकते हैं, तो वो categorization नीचे आपको बताई गई है। यहाँ इस तस्वीर में highlight करना चाहता हूँ, जिस तरह से किसी एक मुआशरे में मुख्तलिफ तबकात होते हैं, उसी तरह से एक कंपनी में भी मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स की टाइप्स वो होती है। तो उसमें जनाब पहली जो कैटेगरी जो सबसे आम है वो है ऑर्डिनरी शेयर्स, बीइंग द शेयर्स व्हिच एंटाइटल द होल्डर टू द रिमेनिंग डिविजिबल डिविडेंड। जो सबसे एंड के ऊपर जनाब डिविडेंड बच जाता है, जो सबसे एंड के ऊपर प्रॉफिट बच जाता है, और वो जनाब जो है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिन शेयर होल्डर्स के दरमियान, उन शेयर होल्डर्स को हम जनाब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बोलते हैं। इसके अलावा जनाब एक जो कैटेगरी है वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बच्चों बोलते हैं उन शेयर होल्डर्स को जिनका ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के बाद से कोई एक ज्यादा जो है वो मतलब मेयार और मकाम होता है। देखिए जी, अगर लाहौर में रहने वाले तमाम शहरी पाकिस्तानी हैं तो लाहौर में एक एरिया डिफेंस का भी है, लाहौर में एक एरिया जो है वो अंदरून शहर का भी है। तो अंदरून शहर में ज्यादा आबादी है, वो आम लोग हैं, उनको हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कह सकते हैं। और जो डिफेंस में रहने वाले जनाब कनाल कनाल की कोठियों में जनाब और दो दो कनाल की कोठियों में रहने वाले लोग हैं, उनको भी हम जनाब पाकिस्तानी शहरी हैं जो कह सकते हैं, लेकिन उनको हम कह सकते हैं कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनके राइट्स ज्यादा मतलब प्रोटेक्टेड हैं एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स राइट्स। तो जी बीइंग शेयर्स व्हिच एंटाइटल्स द होल्डर प्रेफरेंशियल राइट्स, मोस्ट कॉमन राइट इज ए प्रायर राइट टू रिसीव फिक्स्ड डिविडेंड। तो जी आम तौर के ऊपर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो हक होता है जो दूसरे शेयर होल्डर से उनको डिफरेंट करता है वो है डिविडेंड लेने का हक। इसके अलावा जनाब जो एक और टर्म यूज की जाती है वो रिडीमेबल शेयर्स। रिडीमेबल शेयर्स बच्चों बोलते हैं ऐसे शेयर्स को जो कि कंपनी जिनसे है वो बाद में बाय बैक कर लेती है। कंपनी
शेयर जारी कर देती है, लेकिन ये शेयर जो से हैं कंपनी ने अपनी स्कीम में ही हाईलाइट किया होता है कि ये शेयर कंपनी कल को बायबैक कर लेगी। कंपनी इन शेयर को अपने पास, मतलब लोगों को जो जारी किए हुए हैं, हमेशा लोगों के पास ही नहीं रहने देना, कंपनी ने इन शेयर को वापस भी ले लेना है। और ऐसे शेयर को हम रिडीमेबल शेयर बोलते हैं। रिडीमेबल शेयर ऐसे शेयर जो कंपनी बायबैक कर लेगी, परचेज कर लेगी। ये रिडीमेबल शेयर बच्चों कुछ ऐसा ही है, जैसे कि जनाब आपने अक्सर दुकानों के ऊपर देखा होगा कि दुकानदार हजरात क्या करते हैं कि दुकान पर धूप से बचने के लिए उन्होंने दुकान के शट आगे दरवाजे के ऊपर जो है वो एक तरपाल डाली होती है, जो कि जनाब वो एक मतलब फिरकी सी घुमाकर वो तरपाल आगे कर लेते हैं जब धूप तेज होती है, और जब जनाब धूप जम सी है वो कम हो जाती है, शाम का टाइम हो जाता है, तो तरपाल रोल बैक करके फिर जनाब वो उसको अपनी दुकान के फ्रंट को जनाब वो वाजे और खुला कर लेते हैं। तो जी ये भी कुछ ऐसा ही है कि जनाब रिडीमेबल शेयर्स भी जनाब वो तरपाल की तरह से जनाब शेड आगे कर लिया जब जरूरत पड़ी, और जब कंपनी को जनाब जरूरत खत्म हो गई तो कंपनी ने रोल बैक करके जनाब वो शेड जो था वो पीछे कर लिया। तो जी रिडीमेबल शेयर बीइंग शेयर दैट द कंपनी में रिपर्चेज, लेकिन कंपनी के पास इनरिडीमेबल शेयर्स। रिडीमेबल का उल्ट क्या होता है? इनरिडीमेबल शेयर्स। कंपनी के पास इनरिडीमेबल शेयर्स जनाब मौजूद होना फिर भी जरूरी है। कंपनी के तमाम शेयर्स इनरिडीमेबल सॉरी वो रिडीमेबल नहीं हो सकते। कंपनी को इनरिडीमेबल शेयर्स भी अपने पास रखना जरूरी होते हैं। और बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप जरूरी समझ लीजिएगा, और वो ये है कि रिडीमेबल शेयर जिनसे होते हैं ये आम तौर के ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। रिडीमेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, और जनाब ये जो इरिडीमेबल शेयर जिनसे होते हैं बच्चों ये आमतौर के ऊपर ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। ये जो इरिडीमेबल शेयर्स होते हैं ये आमतौर के ऊपर ऑर्डिनरी शेयर्स उनसे ना इनको कहा जाता है। ये बात मेरी आपने फॉलो कर ली बच्चों? ये रिडीमेबल और इरिडीमेबल के हवाले से और प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल शेयर्स के हवाले से जो मैंने आपको एक डिस्टिंक्शन बताई, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब आज के लेक्चर की आखिरी बात, और वो ये कि जनाब कंपनी जो सी होती है उसके शेयर्स में जनाब जो वाजे डिस्टिंक्शन हैं वो ये हैं बच्चों, जो कि नोट की जा सकती है। ये जनाब जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बाद से कुछ सवाल भी पूछा गया था वो भी इसी में कवर हो जाता है कि जनाब ये है जो खास फर्क हम देख सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में। ऑर्डिनरी शेयर्स में डिविडेंड जो होता है वेरिएबल होता है कि जो बकिया बच गया तो वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जनाब डिविडेंड जो होता है वो फिक्स होता है, क्यूमुलेटिव होता है, कि जो डिविडेंड एक दफा तय कर दिया गया पर्टिकुलर परसेंटेज के साथ में वही दिया जाएगा, और जनाब वो जो है क्यूमुलेटिव भी होगा, यानी किसी एक साल में नहीं भी दिया गया तो वो अगले साल में जनाब वो जनाब क्यूमुलेटिव हो जाएगा, यानी एड अप हो जाएगा, और इस तरह से जनाब ये डिविडेंड जो उसका ना वो दिया जाएगा। उसके बाद जनाब जो वोटिंग राइट्स हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के जनाब ये जो राइट्स होते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वोटिंग राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स अटेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो उस हद तक जनाब जनरल मीटिंग को अटेंड करेंगे जिस हद तक उनका अपना जनाब इसमें मामला जो है वो टेकअप किया जाना है। लिक्विडेशन में जनाब जो है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सबसे एंड के ऊपर वो मतलब उनके कैपिटल वगैरह की वापसी जो है वो होती है, लेकिन जनाब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जनाब उनसे पहले जनाब अगर कैपिटल वापस होना हो तो वो हो जाता है। मैं आज के लिए यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला इसी स्लाइड से हम अब
मंडे को इसको कैरी ऑन करेंगे। आपका लेक्चर बच्चों जो कंपनी लॉ का है ये सैटरडे वाले दिन नहीं होता, लिहाजा अब जो हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी कंपनी लॉ के लेक्चर के लिए वो इंशाल्लाह अजीज मंडे वाले दिन होगा। कल हमारा मर्केंटाइल लॉ का लेक्चर 6 बजे इंशाल्लाह अजीज बाद नमाज मगरिब हम जनाब यहाँ से उठाएंगे, ओ सॉरी वो चलाएंगे अपना लेक्चर, और फिर इसके लिए आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। कल हमारी इंशाल्लाह मुलाकात 6 बजे होगी, 5 बजे कल मुलाकात नहीं होगी क्योंकि कंपनी लॉ का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अब मंडे को है। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।